पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी घटना की घोर निंदा की है। रांची में सुबोध कांत सहाय ने जवानों की शहादत पर दुख जताते हुए उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। बुरा जो है कावड़ता का कुछ हो नहीं सकता है कि लोग को जो ये भी होता है कि कोई एक्शन में एक दूसरे को मौत हुई तो बात कहा जा सकता है, लेकिन कोल्ड ब्लडेड मर्डर, भगवान उनको शांति दे, उनकी आत्मा को शांति दे। परिवार के साथ तो पूरा देश है, हर व्यक्ति है हिंदुस्तानी आज इस शहीद परिवार के साथ। पुलवामा आतंकी हमले की कांग्रेस ने भी निंदा की। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शमशेर आलम ने आतंकी हमला में शहीद हुए जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सरकार को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी है। जो शहीद हुए हैं उस परिवार के प्रति अपनी ओर से और अपने पार्टी की ओर से गहरा दुख व्यक्त करता हूं। और ये सही है कि जिस कायरतापूर्ण तरीके से आतंकियों ने हमारे जवानों को शहीद किया, निश्चित तौर पर ये एक चुनौती है और सरकार को इस चुनौती का सामना करना चाहिए। जिस हद तक भी जा करके कांग्रेस पार्टी उनके इस फैसले के साथ कल भी खड़ी थी और आज भी खड़ी है।